सो हे वेलकम बैक टू द चैनल आपके साथ हमने ऑलरेडी प्रेस रिलीज डिस्कस कर ली थी फोर्टी थर्ड जीएसटी काउंसिल मीटिंग की उसमें कुछ चेंजेस हमारे सामने निकल के आ रहे हैं और ये जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया है आप यहाँ पे डेट देख सकते हो फर्स्ट जून को और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम में आपको इसका लिंक मिल जाएगा उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं सो नंबर वन नोटिफिकेशन नंबर सिक्सटीन तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे शेयर करना नंबर ये क्या बात करता है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्ड बाय सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन वन ऑफ द फाइनेंस द्वेंटी ट्वेंटी टू के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है फर्स्ट डे ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन को अपॉइंट किया है कि जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन एक सो बारह ऑफ द फाइनेंस एक्ट है उसे हम नोटिफाई करते हैं सेक्शन 112 ऑफ फाइनेंस एक्ट

कि 108 से लेकर 123 तक तब नोटिफाई माना जाएगा जब ऑफिशियल गैजेट में कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगी जो कि आज हमारे सामने आ चुकी है तो मैं लेकर चलता हूं आपको सेक्शन 112 पर तो मैं सर्च करता हूं यह आपके सामने आया सेक्शन 112 सौ बारह ऑफ फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन फिफ्टी जो कि आपको पता है मैंने आपके साथ कवर किया बट आपको रीड करवा देता हूं कि अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन फिफ्टी क्या बात करता है कि आपको जो सीजीएसटी एक्ट है मतलब जीएसटी में जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो वो आपको कैसे पेमेंट करनी है फॉर आपको थ्री बी फाइल करनी है ट्वेंटी मे को अगर आप मे की फाइल करते हो तो ट्वेंटी जून फॉर एग्जाम्पल डेट एक्सटेंड नहीं हुई है तो मे की आप फाइल करोगे जून जून को 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 तो तो अगर आपने फाइल फाइल नहीं की और को लेट किया तो उस केस में आपको इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पड़ना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपकी आउटपुट टैक्स है पांच लाख आईटीसी आपका है दो लाख आपने तीन लाख कैश से पे करना है ठीक है ई कैश लेजर में पैसे को ऐड करना है तो आपको इंटरेस्ट कितने पे पड़ना चाहिए अगर आप थ्री बी लेट फाइल करते हो तो आंसर इज आप इंटरेस्ट पे करोगे नेट टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर थ्री लैक के ऊपर जो आपने कैश से पे किया और इसे इन्होंने अभी नोटिफाई कर दिया है एक बार हम पढ़ लेते हैं प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न रिटर्न सेक्शन थर्टी में जो प्रिस्क्राइब है और जब आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हो मतलब इंटरेस्ट आपको पे करना है ऑन टैक्स पेबल इंटरेस्ट शेल बी पेबल ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स विच इज पेड बाईटिंग लाख तीन लाख हमने इंटरेस्ट e पे, तो पे करना है और इसे नोटिफाई कर दिया फर्स्ट जून से अब हम बढ़ते हैं गए सेकेंड नोटिफिकेशन पर और बहुत सारी नोटिफिकेशन आई है इन सबको आप डाउनलोड कर लो मेरे टेलीग्राम से तो मैं आपको आज इंपोर्टेंट और रेलिवेंट कवर करवा देता हूं और कुछ नोटिफिकेशन हम कल फिर से एनाल करेंगे तो पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर अठारह सत्रह कवर नहीं कर रहे अभी तो नंबर अठारह क्या बात करती है तो हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर की नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी एग्रीगेट एग्रीगेटर पांच करोड़ से ज्यादा इन फाइनेंशियल ईयर तो मार्च अप्रैल एंड मे इक्कीस थ्री बी के लिए आपको इंटरेस्ट कैसे लगेगा फर्स्ट फिफ्टीन डेज फ्रॉम द ड्यू डेट अगर मार्च के लिए फॉर एग्जाम्पल 20 अप्रैल है तो 20 अप्रैल के बाद मतलब 21 अकाउंट करेंगे पहले 15 दिन के लिए 9 परसेंट एंड मूविंग फॉरवर्ड पंद्रह दिन के बाद एटीन परसेंट और अगर आपकी टर्न ओवर अप टू तो रुपीज फाइव करोड़ है और अगर आप कैटेगरी वन में हो या कैटेगरी टू में हो तो उस केस में आपको डिवाइड किया गया है। तो मार्च अप्रैल मे के लिए कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा सभी इंटरेस्ट हम काउंट करेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट तो नील फॉर द फर्स्ट फिफ्टीन डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ड्यू डेट के बाद पहले पंद्रह दिन नील उसके बाद नाइन परसेंट फॉर द नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज ड्यू डेट के बाद मतलब 20 अप्रैल है तो 20 अप्रैल के बाद मतलब 21 अप्रैल से 15 दिन फिर 15 दिन खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर 45 दिन उसके लिए 9 परसेंट पैंतालीस दिन खत्म हो जाएंगे मतलब 15 प्लस पैंतालीस उसके बाद चार प्लस पांच छह साठ दिन के बाद आपको जितने भी डेज के लिए लेट करोगे तो एटीन परसेंट देर आफ्टर यही अप्रैल के लिए यही मई के लिए और अगर आप कैटेगरी टू स्टेट में फॉल करते हो तो यही मार्च के लिए अप्रैल के लिए मई के लिए कंडीशन सेम है नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगी टेलीग्राम में मिलेंगी जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अगर आप एक क्यू आर स्कीम में फॉल करते हो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो मार्च इक्कीस के लिए ड्यू डेट से पहले पंद्रह दिन के लिए नील उसके बाद नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज के लिए नाइन परसेंट तो साठ दिन खत्म होने के बाद अठारह परसेंट डेर आफ्टर साठ दिन कैसे पहले पंद्रह दिन ड्यू डेट से फिर पंद्रह दिन के बाद पैंतालीस दिन और फिर पूरे साठ दिन के बाद कुछ भी लेट करोगे तो अठारह परसेंट है ये इफेक्टिव हो गया अठारह मई से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए जो कि आपके लिए काफी रेलिवेंट है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना तो अभी हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर नाइनटीन की और यहां पर हम बात करेंगे लेट फीस के कितने पीरियड के लिए लेट फीस को वेव किया गया तो नंबर वन अगर आप टैक्स पेयर हो जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन फाइव करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मार्च हो अप्रैल हो या मई हो तो लेट फी कितने टाइम पीरियड तक वेव्ड ऑफ की हुई है मार्च की बात करते हैं अप्रैल की बात करते हैं मे की बात करते हैं इनकी ड्यू डेट से पंद्रह दिन तक आपके लिए लेट फी माफ है मार्च अप्रैल और मे के लिए फिफ्टीन डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ड्यू डेट के अंदर अंदर पंद्रह दिन से पंद्रह दिन आप काउंट करोगे तो आपकी लेट फी उतने टाइम तक के लिए वेव ऑफ है यह नोटिफाई करा है और अगर आपकी टर्न ओवर अपू रुपीज फाइव करोड़ है तो उस केस में अप टू रुपीज फाइव करोर इन प्रिडिंग फाइनेंशियल ईयर तो मार्च के लिए साठ डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ड्यू डेट से एक दिन बाद से वहां से साठ दिन काउंट करने हैं और आपकी लेट फी वेव रहेगी अप्रैल के लिए फोर्टी फाइव डेज है फ्रॉम द ड्यू डेट मे के लिए थर्टी डेज है फ्रॉम द ड्यू डेट और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो क्वार्टरली थ्री भी फाइल करते हो तो एग्रीगेट टर्न ओवर अगर आप टू रुपीज फाइव करोड़ है तो जैन टू मार्च इक्कीस के क्वार्टर के लिए ड्यू डेट से साठ दिन काउंट करने हैं तो लेट फी वेव रहेगी अब आपको ये तीन प्रोवाइजो समझने अच्छे से क्या लिखा है प्रोवाइडेड दैट फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन टू बाई द ड्यू डेट रिटर्न को फर्निश नहीं किया था बट अगर आप उसको फर्निश कर देते हो फर्स्ट जून 21 से लेकर थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट इक्कीस तक तो उस केस में लेट फीस जो आपको पड़ेगी वो मैक्सिमम पड़ेगी फाइव हंड्रेड रुपीज पर एक्ट यहां पर बेसिकली बात की जा रही है अदर देन नील रिटर्न के केस में अगर आपकी नील रिटर्न है नील बन रहा है इन दैट केस टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी अंडर सेक्शन फोर्टी सेवन शेल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज तो मतलब ढाई सौ से ऊपर वेव ऑफ कर दी जाएगी पर एक्ट तो मैक्सिमम लगेगी आपको फाइव हंड्रेड किसकी बात की जा रही है नील रिटर्न कि अगर आपने जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक फाइल नहीं की ड्यू डेट तक फाइल नहीं की थी बट आपने फर्निश कर दी उसे फर्स्ट डे ऑफ जून 21 से लेकर थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट इक्कीस तक तो उस केस में अगर आपकी नील रिटर्न है तो आपको मैक्सिमम जो लेट फीस पड़ेगी फाइव पड़ेगी मतलब टू पर एक्ट अब हम बात करते हैं फ्यूचर पीरियड के लिए प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर द टैक्स पीरियड जून ट्वेंटी वन ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग जून इक्कीस जी एस टी आर थ्री बी के लिएट फीस के क्या प्रोविजन है रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इन द रिटर्न इज अभी हम बात कर रहे हैं इस टेबल में जून इक्कीस ऑनवर्ड इस केस में आपका सेंट्रल टैक्स पेबल नील केस में कितनी लेट फीस लगेगी फ्यूचर पीरियड के लिए टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज पर एक्ट सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि अगर आपके टर्नओवर अप टू तो रुपीज फाइन पॉइंट फाइव करोड़ है Other than those under कहने की बात है कि अगर आपका निल है, तो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज पर एक्ट मैक्सिमम और अगर आप करोड़ तक हो आपकी टर्न ओवर टैक्स बनता है तो वन थाउजेंड रुपीज पर एक्ट सर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है मैं बताता हूं कि अगर आपकी वन पॉइंट फाइव करोड़ तक टर्न ओवर है और टैक्स पेबल आपका बनता है तो वन थाउजेंड रुपीज पर एक्ट तो मतलब दो हजार मैक्सिमम लगेगा और अगर आपकी 1.5 करोड़ तक है और टैक्स बनता ही नहीं है तो टू हंड्रेड पर एक्ट लगेगा मैक्सिमम पांच लगेगा और अगर आपकी वन करोड़ से ज्यादा बट पांच करोड़ तक है इन द प्रसिडिंग टर्न ओवर तो उस केस में अगर आपका टैक्स बनता है तो टू थाउजेंड पर एक्ट लग जाएगा कब की बात हो रही है डेढ़ करोड़ से ज्यादा पांच करोड़ तक आपका टैक्स बनता है तब ये बट अगर डेढ़ करोड़ से ज्यादा है और पांच करोड़ तक है

जो मूविंग फॉरवर्ड होगा वही आपके लिए एप्लीकेबल यहां पर होने वाला वन के लिए कि अगर आपके नील है तो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज पर एक्ट तो मैक्सिमम पांच सौ बट अगर डेढ़ करोड़ से ज्यादा है और आपका टैक्स बनता है मतलब कुछ सप्लाईज आपकी हैं जीएसटी वन में तो वन थाउजेंड रुपीज मैक्सिमम पर एक्ट बट अगर डेढ़ करोड़ से ज्यादा है और पांच करोड़ तक है और टैक्स बनता है तो टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज मैक्सिमम पर एक्ट क्योंकि अभी ये हम नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं सीजीएसटी में सिमिलर नोटिफिकेशन एस में होती है तो हम पर एक्ट पढ़ते हैं इसे ठीक है तो इसे आपको रीड करना आ गया अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली नोटिफिकेशन में जो बात करता है रिगार्डिंग जीएसटी इक्कीस बाईस की अगर आपने कुछ लेट फाइल कर दी है तो उस केस में कितनी लेट फी पड़ेगी तो बताया जा रहा है शेल स्टैंड वेव्ड मतलब इतनी पड़ेगी मैक्सिमम उससे ऊपर सब वेव ऑफ कर दिया जाता है तो अगर आपकी नील रिटर्न है तो उस केस में मैक्सिमम पड़ेगी आपको टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज पर एक्ट जब आपका टैक्स पेबल आप बनता है नील बट अगर आप अदर देन केस कवर्ड अंडर वन मतलब आपका टैक्स बनता है नील नहीं है तो मैक्सिमम पर एक्ट पड़ेगी हजार रुपए ठीक है ये जीएसटीआर आर फोर है आप इसे रीड कर लेना अब हम बात करते हैं जीएसटीआर आर सेवन के लिए जो सेक्शन फिफ्टी वन एप्लीकेबल होता है फिफ्टी वन बात करते हैं टीडीएस डी डिडक्टर्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून इक्कीस ऑनवर्ड्स अगर किसी ने बाय द ड्यू डेट फर्निश नहीं किया तो उस केस में मैक्सिमम कितना पड़ेगा फॉर एवरी डे मैक्सिमम पड़ेगा पच्चीस रुपए पर डे जितने दिन का डिले करोगे पच्चीस रुपए हर दिन के लगेंगे बट मैक्सिमम एक लिमिट है प्रोवाइडेड दैट द तो टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन फोर्टी सेवन रजिस्टर्ड पर्सन अगर आप फेल हो जाते हो जून इक्कीस ऑनवर्ड जो भी मंथ होगा तो आपको मैक्सिमम पड़ेगा शेल स्टैंड वेव इज इन एक्सेस ऑफ एन अमाउंट ऑफ वन थाउजेंड रुपीज तो मैक्सिमम आपको मतलब पच्चीस रुपए पर डे बट मैक्सिमम हजार रुपए पड़ेंगे मैक्सिमम हजार उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा पर एक्ट है ये ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली नोटिफिकेशन में आ, ये नोटिफिकेशन हम कल कवर करेंगे आगे एक को आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है मेरे को रिगार्डिंग रूल थर्टी सिक्स जो आपके लिए रेलेवेंट है आपको समझना और थ्री बी की फाइल करने में आपको काफी हेल्प भी करेगा वो ये वो पॉइंट है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि अभी आपको डीएससी जो कंपनी के लिए होते हैं थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट तक आप कंपनीज के लिए भी ईवीसी के थ्रू फाइल कर सकते हो उसे भी नोटिफाई कर दिया है अब हम बात करते हैं रूल थर्टी सिक्स फोर के लिए कि आपको अप्रैल और मई के केस में जीएसटी थ्री भी जब फाइल करनी है तो आई आपको हंड्रेड क्लेम कर लेना है पर जब आप जून की थ्री भी फाइल करोगे तो तीनों मंथ की आपको रिको करनी पड़ेगी और अगर आपने अप्रैल और मे के, के केस में आई एक्सेस क्लेम किया होगा तो आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा कहने की बात है अप्रैल और मे के लिए आप आई क्लेम कर सकते हो एज पर परचेज रिपोर्ट आपको जीएसटी टू बी नहीं देखना है बट जब जून की जब आप जीएसटी करोगे तो जून के टाइम पर अप्रैल का टू बी डाउनलोड करोगे मे का टू बी डाउनलोड करोगे फिर से कंपेयर करोगे रिको बनाओगे और अगर कोई क्रेडिट दिख नहीं रहा होगा और आपने क्लेम कर लिया होगा एज पर परचेज रिपोर्ट तो आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा यही बात यहां पर लिखी गई है प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन मतलब आई की रिस्ट्रिक्शन ये अप्लाई की जाएगी एक साथ क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड अप्रैल मे एंड जून तीनों के लिए कंडीशन देखनी पड़ेगी जब आप जीएसटीआर थ्री भी फाइल करोगे कौन से पीरियड की जून इक्कीस की या क्वार्टर एंडिंग जून इक्कीस मतलब जिसके ऊपर क्यू आर एम पी एप्लीकेबल होगा आई होप ये समझ में आ गया होगा और ये मैंने नोटिफिकेशन आने से पहले आपको समझा दिया था वो मैंने कवर ऑलरेडी किया हुआ है और अगर आपके ऊपर आई एफ एफ एप्लीकेबल है वो फाइल करते हो तो जून के लिए जो आपको फाइल करनी है फॉर एग्जाम्पल मतलब मे के लिए तो डेट क्या है लास्ट डेट थर्टीन जून रहती है बट वो डेट बढ़ाकर क्या कर दी है थर्टीन जून के बाद ट्वेंटी एट जून तक आप इसे फाइल कर सकते हो सर ये तो ऑप्शनल है ऑप्शनल तो है बट थर्टीन जून के बाद आप फाइल नहीं कर सकते तो अभी आपके लिए वो डेट भी बढ़ा दी गई है तो बाकी आप ये सारी नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से सिमिलर नोटिफिकेशन आपको आईजीएसटी में भी दी गई है तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना और ऐसी अपडेट्स देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लो बेल बटन को ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय